स्पीच, क्या लिखा है सर? पार्ट्स ऑफ स्पीच। शर्माइएगा नहीं, बोलिएगा एकदम बेहतर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच और सीखना बहुत गजब से। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम जो ये भाग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारे भाग जब आपस में मिलते हैं तब बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बात बताइए सर, आपने साइकिल कभी देखा है? यस सर। साइकिल देखे आप लोग? यस सर। साइकिल में कोई साइकिल नाम का चीज है क्या? नहीं। साइकिल में कोई साइकिल नाम का चीज है? नहीं। एक को गो? नहीं। उसमें क्या होता है? सबका पार्ट्स होता है अलग अलग। चक्का अलग है ना, पैडल अलग है, सीट अलग है, कवर अलग है, बम्पर अलग होगा, रिम अलग होगा, है कि नहीं, उसके घंटी अलग होगा, ये हैंडल अलग होगा, बहुत रंग की होती है, क्लियर अलग होगा। जब हम सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? साइकिल। लेकिन साइकिल नाम का कोई चीज होता है उसमें? नहीं। और सब चीज है तभी ना अच्छे ढंग से साइकिल चलता है। अगर उसमें से एको को चीज कम रहेगा तो क्या बताइए, साइकिल चल पाएगा क्या? नहीं। चल पाएगा क्या? नहीं, नहीं चल पाएगा। मान के चले सब चीज सही है, पैडिले नहीं है साइकिल में, सब चीज है पैडिले नहीं है, क्या मारिएगा पैडिल के बेटी? क्या कीजिएगा? ठेलिएगा, बैठ रहिएगा ऊपर, थनका देर चला के बाद फिर उतर के ठेलिएगा, चढ़ जाइएगा। लेकिन अगर एको को चीज कमेगा तो हमारा साइकिल नहीं चलेगा। सेम हमारा काम यहाँ पर इंग्लिश में है। अगर एको को पार्ट्स अगर इसमें से कम जाए तो हम ना शुद्ध शुद्ध इंग्लिश बोल सकते हैं, ना शुद्ध शुद्ध इंग्लिश पढ़ सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश को शुद्ध शुद्ध पढ़ने लिखने में जितने भी चीज की जरूरत होता है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर ये सब चीज अगर हमको सभी आ गया सही से, ये आठों का आठों जी इसका आठ है, और ये सब चीज की जानकारी अगर हो गई तो हमको लिखने और पढ़ने में बहुत आसानी। तो हम चलिए पहला जानेंगे आज नाउन के बारे में। किसके बारे में जानना है? चलो नाउन के हिंदी में क्या बोलते सर? संज्ञा। क्या बोलते सर? संज्ञा। क्वेश्चन पूछता व्हाट इज नाउन, हमसे क्वेश्चन पूछता नाउन किसे कहते हैं। गारंटी देते सर 10 मिनट के अंदर में पूरा आपको याद हो जाएगा, एक अपनी भाषा में, देहाती भाषा में, है ना, देहाती भाषा में नाउन किसे कहते हैं। और हम आपको सिखाए हुए, आज नहीं सिखाए, बहुत दिन पहले भी सिखाए थे। जिस भी चीज को हम देखते हैं वह क्या होता है सर? जिसे हम देखे वो क्या होता है? जिसको देखे उसको क्या बोलेंगे? देखने के बाद भी कुछ ऐसे चीज होते हैं जो नाउन है, जिसको हम फील करते हैं, देखते नहीं है, क्या करते सर? महसूस करते हैं, वह भी क्या है? नाउन। सर हम किसको देखेंगे बताइए? क्या देखे? चेयर है, बोर्ड है, पेंसिल है, पेन है, आदमी दिख रहा है, घर दिख रहा है, जानवर है, बहुत सारी चीज है। जो भी देखे वो सब के सब क्या है सर? नाउन। जो भी देखे वो क्या है? ये लड़की देखो कहाँ दिख रही है। जो भी अगर हम देखेंगे उसको क्या बोलेंगे? जो हमको दिखाई ना दे वो भी क्या है? लेकिन ऐसे थोड़ी कह देंगे नाउन है, क्योंकि वो फीलिंग होगा तब ना, महसूस होगा तब ना कहेंगे नाउन है। जैसे सर जो चीज देख रहे हो तो नाउन तो है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। मान के चले कि हवा, हवा आपने कभी देखा है क्या? हवा को नहीं देखे हैं, लेकिन हवा महसूस कर रहे हैं। अब जितने भी फैन के नीचे बैठे हैं आपको लगता होगा कि हवा लग रहा है, देह में ठंडी बढ़ रही है, लेकिन कभी आपको हवा दिख रहे हैं? आपको कोई क्रीम की तरह हवा लगाया जा रहा है देह में, सबको ठंडा लग रहा है? नहीं, महसूस कर रहे हैं कि हमको ठंडा है कि नहीं। मान के चले आपको बुखार आ गया, क्या आ गया? बुखार। तो बुखार नाम का चीज आपको देखे है क्या? आप महसूस करते कि हमको बुखार आ गया है कि नहीं है। तो जो फील होगा उसको भी नाउन कहेंगे, और जो दिखाई देगा उसको भी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो नाउन चुनने में कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में जो भी चीज दिखाई दे उस सबको हम क्या बोलेंगे? जो भी चीज दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नाउन। और जो नहीं भी दिखाई दे जिसका फील हो उसको भी हम क्या बोलेंगे? जैसे मैं आप बता दीजिएगा हवा है ना,
बीमारी, इसके अलावा दयालुता, ईमानदारी, ये सब हमको दिखाई नहीं देता, फिर भी यह नाउन है। इसके बाद हमारा कौन सा आता है सर? प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। आप कभी सुने, मान के चले आपके पापा को कभी काट दिया जाता दूसरे जगह से, निमंत्रण पत्र जो होता है ना भोज खाने के लिए, अगर आपके पापा नहीं रहते तो कौन जाते हैं? आप जाइएगा? तब किसके बदले में गए? अपने पापा के बदले में। उसी प्रकार से ये काम होता है, क्योंकि वहां पर अगर अपने पापा के बदले में चले जाते हैं तो आपके जो रिश्तेदार होंगे कहेंगे चले फलाने आदमी नहीं आए थे, उसका लड़का आया था। ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा? उसका लड़का आया था। हो सकते है कहूँ, अगर आपसे पूछेगा पापा कहाँ था, बोला तो चलिए पापा हमारा दिल्ली बम्बे है ना, कहेगा इसीलिए हम चले थे। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप क्या करते हैं, अपने पापा के बदले जाते हैं। वही बात यहाँ पर भी है, नाउन के बदले जिस भी वर्ड का प्रयोग हो, नाउन के बदले जिस भी चीज का प्रयोग हो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। नाउन के बदले में जो भी प्रयोग होगा उसको क्या बोलेंगे सर? प्रोनाउन। तो नाउन के बदले में क्या होता प्रयोग, सुनिए बता रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? स्टैंड अप। आपका नाम? पवन कुमार। चले पवन कुमार, ये आप नाउन है, लेकिन हम पवन नहीं कहेंगे, बट ये हम कहेंगे आप खड़े होइए, आपका नाम ना लेकर के आपको हम क्या बोले? आप। तुम बोले तुम खड़े हो, आपका नाम नहीं ना लिए, लेकिन किसका इशारा है सर? आप ही को इशारा कर रहे हैं, तुम ही बोल रहे कि तुम। तो जब नाउन के बदले जिस भी वर्ड का प्रयोग हो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। कोई दिक्कत? और बहुत अच्छे बता रहे थे ना जय जय जगदीश हरे, सुना? हाँ, जैसे कि अपना कहीं पर जाते हैं तो कोई किसी का नाम जल्दी नहीं लेता, खास करके औरतें में देखिएगा, अपना पति का नाम जल्दी ले भी नहीं करेगा, ये होता है। जाके अपना मम्मी से पूछो था अपने पापा का नाम देखे बुलाते कि आप फलाने जी है, सुनिए तो इधर, कभी कहा ना क्या बोलेंगे पता है? फलनमा का पापा छिए, सुनिए सुनिए इधर, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हैं, आप जाके पूछिए कहा कि नहीं कहेगा ए मनीष कुमार, इसके मम्मी बुलाएंगे इसके पापा को, कैसे बुलाएंगे? ए मनीष के पापा सुनो ना इधर, तब बोलू बोलू की बात, यहाँ पर नाम थके नहीं ना बुलाएंगे, ये हमारे गांव देहात में से होता है, यानी उसका नाम भर करके नहीं पुकारा जाता, तो उसके बदले में जो कह के पुकारा जाएगा वह हमारा प्रोनाउन है। क्या है? तो नाउन के बदले में जो भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? जैसे हो जाएगा मैं क्या है? प्रोनाउन। लेकिन मैं अपना नाम जब बोलूंगा तो हम तो नाउन हो जाएंगे, नाम बोलेंगे तो नाउन, लेकिन जब हम नाउन के बदले हम क्या बोल दिए? हम, तो हम हो गया प्रोनाउन। हमारा नाम हम है नहीं ना है, हमारा नाम मैं है नहीं ना है, तो जब हम नाउन के बदले में प्रयोग कर रहे हैं, नाउन तो हमारा नाम ही होगा जो हमारा रियल नाम है, लेकिन हम नाम का प्रयोग न करके हम अपने बारे में हम कहते हैं, मैं कहते हैं, तुम्हारे लिए हम तुम कहते हैं, तुम लोग हो, है ना? तो जो भी नाउन के बदले में जो भी वर्ड प्रयोग किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। तो दुनिया में दो बच्चे हम पढ़ लिए, पहला था नाउन, दूसरा आया प्रोनाउन। नाउन किसे कहते हैं? जो दुनिया में दिखाई दे या फील हो उसको हम क्या बोलेंगे? और जो नाउन के बदले में आए उसको हम क्या बोलेंगे? और सबसे अच्छा एग्जांपल याद रखिएगा यही बात, मनीष के पापा है ना, यानी कि वो अपना नाम भके नहीं बुलाएंगे उसको, वो कन्वर्ट करके बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? हाँ, उसको दूसरे तरीके से बताया जाएगा कि हाँ सुने छी फलना के पापा छी इधर आओ, है ना? नाउन जो होता है, यानी नाउन के बदले में जिस वर्ड का हम प्रयोग कर ले वही हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन। तीसरा आगे हमारा सर वर्ब। क्या है सर? वर्ब। वर्ब के बारे में जानना है,
दुनिया में जो भी काम हो, दुनिया में जो भी काम हो सबको हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। दुनिया में जो भी काम हो उसको क्या बोलेंगे? वर्ब। खेलना क्या है? काम। खेलना भी काम है। पढ़ना काम, हंसना काम, कूदना काम, पीना काम, लिखना काम, उठना काम, बैठना काम। और एक और चीज समझ लीजिए, जिसके अंत में ना लगा हो, जिसके अंत में ना लगा हो वो सब के सब वर्ब होता है। पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, हंसना, गीत गाना, है ना। तो जिसके अंत में देख रहे हैं ना 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 समय लग रहा है, समय दिख रहे हैं ना, लग रहा है। खेलना, कूदना, पढ़ना, अंत में ना लग रहा है ना। तो दुनिया के जो भी काम होगा उसको हम बोलेंगे वर्ब। क्या बोलेंगे? वर्ब। काम को क्या बोलते सर? वर्ब बोलते। क्या बोलते हैं? कोई काम हो, अभी आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। सुनना आपका काम है, ये भी वर्ब है। सुनना भी आपका काम है ना, ये वर्ब है। हमें सुना रहे हैं तो सुनाना हमारा वर्ब है, है ना। कोई लिखेगा तो लिखना भी क्या होगा? वर्ब। पढ़ेगा तो पढ़ना क्या होगा? वर्ब। खाएगा, खाना क्या होगा? वर्ब। वो थाली में रखा वो खाने की बात नहीं, खाने का काम चालू है वो वाला वर्ब होगा, समझे। उठना, बैठना, सोना, जागना, कूदना, भागना, दौड़ना, ये सब के सब क्या कहलाएगा? वर्ब। यानी दुनिया में जितने भी काम हैं, दुनिया में जितने भी काम हैं उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब। क्या बोलेंगे? वर्ब। तो तीन चीज समझ गए, एक समझे नाउन, दूसरा समझे प्रोनाउन, तीसरा समझे वर्ब, और चौथा पढ़ेंगे एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब। यानी कि सुनिए, वर्ब जो होता है, वर्ब का मतलब क्या होता? काम। वर्ब का मतलब काम। लेकिन एडवर्ब का मतलब अलग तरीके से होता है। मान लीजिए सर, एक गिलास पानी लिए, आप लोग कोका कोला पिए हैं जी, थम्स अप जी, स्प्राइट जी, तब पीते रहते हैं जी, तब पीना क्या हो गया? काम। काम है। पीना क्या है? काम। लेकिन उस समय आपको कोई बोलेगा बेटा धीरे धीरे पियो, क्या बोलेगा? धीरे धीरे पियो। तो धीरे धीरे ये एडवर्ब होगा। धीरे धीरे क्या हो गया? चल रहे हैं, चलना क्या हो गया? वर्ब। काम है। लेकिन कहेंगे धीरे धीरे चलो तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो जैसे उसमें धीरे धीरे लग गया ना, तो उसमें क्या बोलेंगे हम उसको? एडवर्ब। कोई काम में अगर स्लोता आता, तेजी आते हैं, उस काम को और थोड़ा बढ़ा देता, अच्छे तरीके से करवाते हैं, उसको मेट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? और वाली फोर काम तो हमारा वर्ब कहलाता है। काम क्या कहलाता है? जैसे हम पी रहे हैं, पीना तो हमारा वर्ब है, लेकिन क्या कहेगा? धीरे धीरे पियो। तो धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अगर मान के चलेंगे हमें जाना है, हम जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, चार आदमी हैं, कहेगा जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, तो चलना हमारा काम है, चलना हमारा वर्ब है। लेकिन जो जल्दी जल्दी बोलेंगे, जल्दी जल्दी हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब होगा। क्या होगा? तो काम के साथ जो लग रहा है हमें जल्दी करवाने के लिए, धीरे धीरे करवाने के लिए, ये सब क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। अगला है एडजेक्टिव। क्या है सर? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में आप लोग सुने होइएगा। आप खाना खाते हैं सर? Yes, sir. खाना खाइएगा, मान के चलिए आज जाइएगा मीट खाइएगा, मांस। एक बात बताते हैं, उसमें जाकर के आप क्या करते हैं? मीट खाते हैं क्या? नहीं, स्वाद चखते हैं। कैसे? थोड़ा खाइएगा, खट्टा लगा, कोई कहेगा तीत बहुत ज्यादा, बहुत तीखा है, कोई खाएगा तो कहेगा नमक थोड़ा ज्यादा है, कोई कहेगा अरे नमक थोड़ा कम में है ना, कोई कहेगा ये मसालागर ज्यादा, बहुत ज्यादा मसाला है, कोई कहेगा मसाला बहुत कम है जी। तो जब हम किसी की गुण बताएं, जब हम किसी की गुण बताएं, वह क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। क्या कहलाता है? जब हम किसी की गुणवत्ता बताते हैं तो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या कहलाता है?
जब भी अगर हम किसी की गुणवत्ता बताएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। मान लीजिए कोई लड़का, कोई लड़की, चाहे कोई सामान्य, किसी के पास तो गुण अच्छा होगा, किसी के पास गुण खराब होगा, उसी की अच्छाई बुराई दो को बताएंगे, वही गुण को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। जो गुण है उसके अंदर वही ना बोलेंगे। कोई लड़का आके अगर बहुत सच बोलता है, उसके अंदर की गुण बता रहे हैं, ठीक है, वो एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा। नहीं, बहुत खराब बात बोलता रहता है, इसके गुण बहुत खराब है ना, इस सोच से खराब है, ये अच्छा नहीं करता, उसके गुण हम बता रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? जब हम किसी की विशेषता बताए, गुण बताए, तो उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। तो पहला फिर से सुनिए, पहला पड़े नाउन, क्या पड़े? याद रखिएगा, पहला क्या पड़े? बोले क्या पड़े? नाउन किसे कहते हैं? जिसको हम देखे या ना देखे, महसूस करे, वह सबके नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। दूसरा पड़े प्रोनाउन। तो नाउन के बदले में मनीषवा के पापा, याद रहना चाहिए, नाउन के बदले में जिस चीज का प्रयोग किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। तीसरा है वर्ब, क्या है? तो दुनिया में जितना भी काम है उसको हम क्या बोलेंगे? जिसके अंत में ना लगाता, उठना बैठना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, जो भी हो, ये सब के सब क्या है? अगला है एडवर्ब, यानी जो काम को धीरे धीरे करवाए या तेजी से करवाए। जैसे ना बता रहे थे पीना, पीना हमारा एक वर्ब है, लेकिन कहेंगे धीरे धीरे पियो, यह एडवर्ब हो जाएगा। चलना हमारा वर्ब है, जल्दी जल्दी चलो, यह हो जाएगा एडवर्ब। क्या हो जाएगा? अगला है एडजेक्टिव, जब हम किसी वस्तु की या किसी मानव की अगर हम गुण बताते, उसकी विशेषता बताते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। और अगला है हमारा प्रीपोजिशन, जहां हो जाए हमारा पोजीशन, वही है हमारा प्रीपोजिशन, याद रखो जी। आपका पोजीशन कहाँ है सर? आपका पोजीशन कैसा सर, बताइए आपका पोजीशन कैसा? अब जहां बैठ गए वो आपका पोजीशन है, अब पोजीशन में आ गए, वही हमारा प्रीपोजिशन है, वही हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। मार्कर है, हमने क्या करा? टेबल पर रख दिया, मार्कर अपना पोजीशन बना लिया, वही हमारा क्या कहा जाएगा? प्रीपोजिशन। जो आप पोजीशन बना ले उसी को हम बता कर देते हैं प्रीपोजिशन। मान लीजिए बोतल में पानी रख दिए, तो पानी अपना जगह कहाँ बनाया? बोतल में, बोतल तब में हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। जहां अपना पोजीशन उसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन, याद रखिएगा, जैसे पोजीशन बनाइए वही हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, कोई कितनों रटाए, रटने से कोई जरूरत नहीं है, यही बात याद रखना, जो हमारा पोजीशन है वही प्रीपोजिशन है। आप बड़े पद पर है वो आपका पोजीशन है, तो वही आपका प्रीपोजिशन भी कहलाएगा। जैसे टेबल पर कलम रखा है, पर टेबल पर, ये हमारा पोजीशन है ना, इसीलिए हमारा क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। जो पोजीशन होगा उसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। अगला है सर कंजक्शन, क्या होता है सर? कंजक्शन। कंजक्शन जो कनेक्टिविटी बनाता है, कनेक्ट करता है। मान के चलिए, सुनिए बताते हैं, जब किसी लड़का या लड़की की शादी होती है, लड़के वाले कहीं और के रहते हैं, लड़की वाले कहीं और के रहते हैं, न लड़का वाला लड़की वाले को चिन्हे, न लड़की वाले लड़का वाला को चिन्हे, लेकिन जब दोनों में जो जुड़ाव कराता है उसका नाम होता है ना बिचमाजिल जी, गांव दादा बिचमझले ना कहते हैं। अब बिचमझले यानी क्या करता है? इसको और इसको दोनों को आपस में मिला देता, यानी ये जाएगा पहले इसके यहाँ के, हो बेटा के शादी करवा, तो ठीक है, देखा लड़की के कहूँ होती तो हो जाते, इतना उतना पैसा वैसा देती तो मान के चले कर लेंगे। वो जाएगा लड़की वाला को भी कहेगा, देखिए हम फलाने जगह लड़का देख के आए, बेटी के शादी करवा, ठीक है देखो निमन होती तो कर लेंगे, बोलेगा ना। आज जब दोनों का आएगा तो लड़की वाले को लड़का दिखाएगा, लड़का वाला को लड़की दिखाएगा, और जब दोनों में बात बन गई तो दोनों जुड़ गए, जब यही जुड़ना क्या कहलाएगा? कंजक्शन। क्या कहेगा? कंजक्शन। मान के चलिए बोतल है, बोतल के ऊपर ढक्कन है,
ढक्कन एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? जी। बोतल को ढक्कन को जोड़ के रखता है, यही जुड़ाव, यही कनेक्शन कंजक्शन कहलाता है। कनेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं सर? कंजक्शन। कनेक्शन को क्या बोलेंगे? कंजक्शन। अब पोजीशन को क्या बोलेंगे? प्रीपोजीशन। ये दो को बात याद रखेगा, कनेक्शन को कंजक्शन, अपोजिशन को प्रीपोजिशन। हमें ये चला रहा है ना, फैन चला रहे हैं, अलग से कनेक्शन हटा देंगे, स्विच टिप देंगे, उसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा, करंट नहीं पहुंचेगा। करंट नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? यह बल चल भी ना करेगा। जैसे स्विच ऑन करेंगे कि दोनों का कनेक्शन जुट जाएगा, तार में तार सट जाएगा, और तुरंत फटाक सानी क्या होगा, करंट पहुंचेगा, अपना नचना शुरू कर देगा। तो जब हमारा कनेक्शन हो उसी को बोलते हैं कंजक्शन, और जब हमारा पोजीशन हो तो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। अगला है इंटरजेक्शन। क्या होता है सर? इंटरजेक्शन। देखिए सर, जब सारा काम हो जाता तो हम सब क्या बोलते, वाह है ना? आप लोग इस पॉकेटिंग से ऊपर भी वाह, हाउ स्वीट, कितना सुंदर है ना? तो हाँ, ये जो वाव करते हैं, जब सब काम बढ़िया हो गया हम वाव करते हैं, यही हमारा इंटरजेक्शन है। क्या सर? इंटरजेक्शन। ये हमारा क्या कहलाएगा? जब सारा काम समाप्त हो जाए तो उस पर हम खुशी के मारे करते हैं वाव, है ना? ये हमारा क्या कहलाता है सर? इंटरजेक्शन। ये हमारी खुशी व्यक्त करते हैं। आप देखिए सर, फिर से शुरू से पढ़ लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भाग में बांटे? कितने भाग में बांटे हैं? आठ। कितने भाग में बांटे हैं? पहला है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। चले नाउन किसे कहते हैं? तो जो दिखाई दे, दुनिया के सारे वस्तु दिखाई दे या ना दे, फील हो, उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन। जो नाउन के बदले में आए, जैसे कि मान लीजिए मनीषवा के पापा जब नाउन के बदले में जिस चीज का प्रयोग हो, मैं, हम अपना नाम यूज ना करके हम अपने नाम के बदले मैं का यूज करें, तो वो हो जाएगा प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। आपके नाम के जगह पर आपका नाम न लेकर के आपको हम कहेंगे आप, तुम, है ना? वह, यह सब क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। जो नाउन के बदले आए उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। तीसरा है वर्ब। दुनिया का जो भी काम होगा उसको क्या बोलेंगे? वर्ब। जैसे उठना, बैठना, चलना, नाचना, गाना, जो भी आ जाए वो सब के सब क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। चार नंबर है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। तो जब काम हमारा एक्टिविटी चलता रहता है, काम हमारा क्या है? जारी है। तो काम के साथ साथ हम कुछ अलग काम कर लेते हैं, जैसे ना कहे कि बुआ पी रहे हैं, तो पीते समय क्या बोला जाता है? धीरे धीरे पियो। तो धीरे धीरे पीना क्या कहलाएगा? एडवर्ब। क्या कहलाएगा? चल रहा है क्या, तेजी से चलो, जल्दी जल्दी चलो, यह क्या कहलाएगा? एडवर्ब। उसके बाद है एडजेक्टिव। जब हम किसी भी वस्तु की गुण विशेषता बताए, यह अच्छा है, खराब है, बढ़िया है, चाहे जो भी हो, जब हम किसी की गुण बताए, विशेषता बताए, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? Adjective. क्या बोलेंगे? Adjective. अगला है प्रीपोजिशन। क्या है? Preposition. क्या है? Preposition. जब अपना हो पोजीशन तो उसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन। जब अपना हो पोजीशन तो क्या बोलते हैं उसको? Preposition. जैसे कि अगर आपका पोजीशन, मान के चल कोई द्रव पदार्थ है, हम बोतल में रखे हैं, तो वो द्रव पदार्थ बोतल में अपना पोजीशन बना के रखा, वही हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। मार्कर अगर टेबल पर बैठ गया तो ये भी अपना पोजीशन में है, तो इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। अगला नंबर है कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। तो कंजक्शन जो एक दूसरे को कनेक्शन बनाए उसी को बोलते हैं कंजक्शन। समझ गए? जब कनेक्शन बनाता तो उसको बोलते हैं कंजक्शन। और इंटरजेक्शन का मतलब हो गया जब सारा काम होता है तो वाह, तो ये हमारा क्या हो गया? इंटरजेक्शन। वेरी गुड, थैंक यू।